हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ध्यानी ऑर्गेनिक फार्म की चैनल। तो अक्सर हम नर्सरी से पौधे लेके आते हैं। ये हम आज रोज़ का प्लांट लेके आए, इसको कैसे रिपोर्ट करना है, इसके अच्छे से सॉइल मिक्स कैसे बनाएं तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे, इसके बारे में आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसको रिपोर्ट करने के लिए जो सॉइल मिक्स चाहिए उसमें हमने लिया है मिट्टी, इसके बाद वर्मी कंपोस्ट, इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे बोन मील, जो हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, अब देख रहे हो बोन मील। उसके बाद ये कैस्टर केक है, आप सरसों की खली डाल सकते हो, उसके अलावा ये कैस्टर केक भी आप डाल सकते हो। उसके बाद ये हमारा नीम केक है जो फंगीसाइड के लिए काम आता है, और गोबर की खाद, जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, वो हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बेहतरीन सॉइल मिक्स होना ज़रूरी है रोज़ के प्लांट में फ्रूटिंग और अच्छे से फ्लावरिंग के लिए। तो ये वाली अगर सॉइल मिक्स आप यूज़ करते हो तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। देख सकते हो ये सॉइल मिक्स हमारे रेडी हो गए। अब इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं हम आपको दिखाते हैं। इसको पहले अच्छे से हिला लेना है, मिक्स कर देना है। ये हमने गमला लिया है, इसमें इस मिट्टी को थोड़ा भर देना है। अब जो हमारा प्लांट है उसकी पॉलीथीन हम इसको निकाल देंगे। पॉलीथीन निकालने के बाद इस प्लांट की थोड़ी मिट्टी आपको हटा देनी है, इसके रूट डैमेज ना हो उस तरीके से, साइड से आपको थोड़ी मिट्टी हटा देनी है। उसके बाद इसको, इसकी मिट्टी के सुसमित इसको इसके अंदर रखना है, पॉट के अंदर। देख सकते हो अभी थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया है, तो हम थोड़ी और मिट्टी इसमें डालेंगे। थोड़ी और मिट्टी हमने इसमें डाल दी है, उसके बाद इसको रख देते हैं अभी। ओके, अब इसमें इस साइड में मिट्टी डाल देंगे, ये वाला। ये इस तरीके से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। ये गार्डन सॉइल हमने बनाया है, जो सॉइल मिक्स इसके लिए बनाया है, इसमें हमने यूज़ किया है वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और बोन मील, कैस्टर केक और नीम केक। तो नीम केक हमने फंगीसाइड के यूज़ किया है। आपको ये सारी मिट्टी इसमें डाल देनी है इस तरीके से। और हमेशा ये याद रखिए कि जो ग्राफ्टेड पोर्शन होता है वो आपके गमले से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, नहीं तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा प्लांट जो है वो रिपोर्ट हो चुका है। अब इसमें हम वाटरिंग कर देंगे, तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये हमारा पौधा जो है वो ट्रांसप्लांट हो चुका है। अक्सर हम नर्सरी से लाते हैं प्लांट, फिर अगर मिट्टी हमारी अच्छी नहीं होती तो प्लांट मर जाते हैं, और ख़ास करके गुलाब के पौधे में ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको रिपोर्ट करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।